अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप सब। आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट और मैं आपको प्रॉपर एंगल बताऊंगा कि कहां से और किस तरह आपने ट्रेनिंग करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर लाजमी करना है। कोई भी ट्रेनिंग है, आप चेस्ट लगाना चाह रहे हैं, विंग्स लगाना चाह रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप कोई भी, अपने बॉडी को वार्म अप करें। वार्म अप के बगैर आपने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी। अक्सर आपके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, आप स्टार्ट ही हैवी वेट से स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होती, आपने ट्रेनिंग कभी हरगिज़ भी स्टार्ट नहीं करनी। आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले चीनिंग बॉल लगानी है। ये आपकी ग्रिप होनी चाहिए यहाँ से ये, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखा। सेल लगाने के बाद आपने पूरा अप जाना है और फिर डाउन आना है। अक्सर क्या करते हैं लोग, ज्वाइंट की ट्रेनिंग करते हैं, हाफ लगाते हैं। आपने जैसे मैंने पूरा रैप ऊपर किया है, इसी तरह नीचे आना। इसी तरह आपने हर ट्रेनिंग के 3 सेट करने हैं, ठीक है? आप पहला जो सा 12 का लगा लें, दूसरा जो सा 10 का लगा लें, तीसरा आपने जो सा 8 का लगाना है, और उसके बाद आपने पुल डाउन मशीन लगानी है। अक्सर लोग इसका एंगल जो सा इतना ओवर पकड़ते हैं, यहाँ से आपका एंगल सेट करना है। स्ट्रेट बैठ में कमर आपके आगे हो, ये सेट करना। बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है, ठीक है? पूरा डाउन जाना है और पूरा अप जाना है आपने। चेस्ट वर्कआउट है हमारा, ठीक है? सबसे पहला आपने जो सैंड लगाना है वो बेंच प्रेस है, और बेंच प्रेस का मैं आपको एंगल बताने लगा हूँ कि कहाँ से ग्रिप करनी है और कहाँ से पकड़ना और किस तरह लगाना है। अक्सर लोग इसको बहुत गलत लगाते हैं। हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, ये इसकी ग्रिप है, ये निशान इसके अंदर से ये पकड़ना हमने यहाँ से, और इसको सीधा पुश करना ऊपर की तरफ, और ये राड हमने चेस्ट पे लेके आना है। अक्सर लोग जो सा एंगल है इसका क्रॉस पकड़ लेते हैं, ठीक है? वो एंगल गलत है, और उठा के चेस्ट पे नहीं लाते, यहाँ पे अपने शोल्डर के पास लगाते हैं, वो गलत सेट है।